हेलो हाय फ्रेंड्स। सो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक चीज। आप अभी सोच रहे होंगे, आप में से मतलब प्राइज हो क्या, सब लोग ही सोच रहे होंगे कि मैंने ये क्यों पहना। ये नथरी है, मैं बता दूँ, वैसे भी ऐसे तो होता नहीं है ना। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कुछ रानी जैसे एक्टिंग करने वाली हूँ मैं आपके लिए। देखना हाँ, आप तो इतना ज़्यादा मज़ा आएगा ना, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैंने ना ये एक्टिंग मतलब सीखी नहीं है, वो तो मैंने बस ऐसे ही चल रहा हूँ। हाँ, इससे ये ट्राउन दिख रहा है जो जो वो पहना है, मतलब आप लोग सोच होंगे ट्राउन ट्राउन तो पहन लिया पर जैकेट तो ऐसी है। हाँ, लेकिन इट्स ओके, हमें तो सोचा तो ये जैकेट का शो करना है, हमें तो बस रानी की एक्टिंग करनी है। तो सबसे पहले जो रानी करती है वो है, पहले वो अपनी राजगद्दी में आराम से बैठती है, राइट, असली रानी। और फिर वो क्या करती है, नेक्स्ट फिर जैसे उसे भूत लगी है, थाना दो वाला हो जाए ना वो तो ना, हम क्या करेंगे अभी मैं आप तो दिखाती हूँ जब उसे भूत लगी तब क्या करती है कि अब तो ना मतलब ऐसा लग रहा कि मैं असली रानी हूँ इस चीज़। क्योंकि मुझे ना जब भी भूत सकती है ना, मैं तो हमेशा ऐसा ही करती रानी बनने के लिए। ठीक, सो मैं जो करती हूँ वो है ये, जैसे मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मैं ऐसे बैठी हूँ, हाँ समझ लीजिए, चलो यहाँ से देखते रहते हैं क्या हो रहा है हमें भी, है ना। हम लग देते हैं और हमें लग जाए भूत लग जाती है ना, तो हाथ ऊपर के दो ताली बजाए, वहाँ से दौड़ता भाईदा बेटा और बोलेगा रानी की जय हो, बताइए आप तो क्या चाहिए। तो आप बोल दो मुझे एक बर्गर चाहिए, वैसे रानियों के ज़माने में ये नहीं होता था, मुझे एक सैलड चाहिए, आप गेट लॉस्ट। और फिर आप सब बोल, ये भी तो सैलड है, ऐसा सैलड कौन बनाता है, तुम ठीक तो हो आज, ये लो दोबारा लाओ, इस बार अच्छे से लाना। और रानी भरत जाती है फिर जब रानी का सोने का टाइम हो ना, तो सबसे पहले वो शावर लेती है, तो जैसे जाती है, देखिए अभी आप तो दिखाती हूँ, मैं 2 मिनट के लिए ज़रा गायब होने वाली हूँ। हाँ क्योंकि दिखाने ही तो गायब तो होना ही पड़ेगा ना। हम ये आई महारानी, हाँ। और फिर बोला मेरा शावर कहाँ है, अभी तक तैयार नहीं हुआ। वैसे बता दूँ रानी के ज़माने में शावर भी नहीं होता, पानी गर्म क्यों नहीं हुआ अभी तक, जाओ जाके गर्म तो क्या, वरना फिर तुम्हें सजा मैं 1 साल तक इस राजमहल से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये तो मैंने ऐसे ही बोल दिया फिर जी रानी जी हम अभी तक देते हैं। और फिर वो गया और फिर वो आएगा, रानी जी अब तो ये तैयार है, फिर क्या करती है रानी, पहले तो अपना ताज जो है वो उतार देती है, ये है ना ताज, सुनहरा ताज, किसी की नज़र भी इस पर पड़ सकती है, इसलिए वो अच्छे से रहती है। और फिर जाती है वो क्या करने, वो जाती है फिर नहाने, फिर शावर से आने के बाद ये निकली या मस्त और गर्म पानी था, इसके लिए मैं उसे रिवॉर्ड दूंगी। हाँ, और फिर आगे का सीन देखिए, पहले तो ये लगा देते हैं यार, रानी भी तो लगना है ना वो, इसके बाद में ना आप चोतर तो भी उतर के दिखाऊंगी आप तो। सो रेडी फॉर द जोतर सेटिंग, मतलब अभी तो रानी है और अब हम बनने वाले हैं जोतर। अब मैं आप तो ना इसी में एक सुंदर सा गाना सुना जो रानी के एंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है, यहाँ पे दिखा, वसते जा भी दू मैं दवाई माँ भी दू जिसमें तो ताली था मोर दू, बदले में मैं तेरे जो खुदा खुद भी दे जन्नते सच कहूँ छोड़ दूँ।
तू ही सवेरा मेरा, तू ही किनारा मेरा, तू ही रैया मेरा, तू ही रेरा मेरा, वास्ते जा भी दूँ मैं दवाए मैं भी दूँ, किस्मत तारी था मोर दूँ, बदले में मैं तेरे जो थुदा थुद भी दे, जन्नते सच तो हूँ छोड़ दूँ। तुमसे ज़्यादा मैं ना जानूँ, तुमसे खुद तो मैं पहचानूँ, तुम तो बस मैं अपना मानूँ माहिया। धन्यवाद। सो गाइस, मैं आप तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, और अगला वीडियो देखना इससे भी ज़्यादा रॉकिंग होगा। अब जाने से पहले मैं बता दूँ, प्लीज़ चैनल तो सब्सक्राइब कर देना, जो इतनी सी घंटी होती है वो भी बजा देना, जो इतनी सी होती है वो भी बजा देना, और लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आप तो मेरी एक्टिंग और जो ये गाना था वो कैसा लगा। ओके सो बाय।